नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। हरदोई थाना वेटा गोकुल के उमरौली गांव में प्रधान के विकास कार्य नाली व इंटरलॉकिंग को प्रकाश पुत्र भजन यादव, इंद्रपाल पुत्र सीताराम, इन लोगों ने इसको दबंगई से इस नाली व इंटरलॉकिंग के कार्य रुकवा दिए। थाना प्रभारी राकेश आनंद ने मौके पर आकर देखा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इन लोगों ने पिछले प्रधान गुप्ता जी की प्रधानी में इस कार्य को दबंगई से रुकवाया था, तब से लेकर आज तक वो कार्य रुका हुआ है। दबंग इंद्रपाल व प्रकाश ने रास्ते के बीच में अपनी पक्की दीवार खड़ी कर दी। प्रकाश अपनी पीछे की दीवार से नाली नहीं निकलने दे रहा है। अब प्रधान गांव का कैसे विकास कार्य कराए, अब क्या प्रशासन भी मौन रहेगा? मैं रजनीकांत, प्रधान ग्राम पंचायत उमरौली, विकास खंड टोंडरपुर, तहसील सहावाद, जनपद हरदोई। यहाँ मनरेगा के अंतर्गत अपने गांव में, ये बहुत ही पुराना चूँकि रास्ता है, तो अपने गांव में ये मनरेगा के तहत ये निर्माण करवा रहा हूँ इंटरलॉकिंग का। महोदय, वहाँ से तो बिल्कुल सीधा आया है, लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ के दबंगों ने पहले यहाँ पर जो है एक दीवार जैसी उठा रखी है, जबकि यहाँ नक्शे में लगभग दो गट्ठे का यहाँ पर चौड़ा रास्ता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पूरी तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया, वह मुश्किल एक गट्ठे का रास्ता यहाँ पर रह गया है, जिसको हमने बनवाने का पूरा प्रयास किया, जिसको भी यहाँ जबरन रोक दिया गया है। मौके पर श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय बेटा गोकुल को जो सूचना दी, उन्होंने मौके पर आकर के किसी प्रकार का कोई निस्तारण नहीं कर पाया। लिहाजा हमने उप जिलाधिकारी महोदय शहावाद को जो है सूचित किया, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। महोदय, कृपया इसे संज्ञान में लें। ये रास्ता हमारे गांव का मेन रास्ता है। किसी ज़माने में यहाँ रामलीला की बारात वगैरह और सब कुछ इधर से निकलता था, तो ये दो गट्ठे का रास्ता महोदय यहाँ एक गट्ठे का भी नहीं बन पा रहा है, जिसे दबंगों ने पूरी तरीके से रोक लिया है। कृपया इसे संज्ञान में लें। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए डीडी टुडे के साथ। नमस्कार।